हेलो फ्रेंड्स माई सेब डॉक्टर संजीत कुमार टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक रिसनस कॉमनिस और अनदर नेम फॉर दिस कास्टर और अरंडी दिस इज द प्लांट ऑफ रिसनस कॉमनिस दिस इज द फ्लावर ऑफ रिसनस कॉमनिस दिस इज द फ्रूट ऑफ रिसनस कॉमनिस एंड दिस इज सीड ऑफ रिसनस कॉमनिस एंड एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ रिसनस कॉमनिस रिसीन रिसिन विच इज टॉक्स एलोमिन टॉक्स एलोमिन कौन किसको किसो हैं जो आर बी सी को अफेक्ट करता है टॉक्स एलवमिन तो रिसिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल है सेकेंड इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है रिसिनोलिक एसिड रिसिनोलिक एसिड फीचर क्या है इसका तो फीचर में कास्टर ऑयल कंटेंस रिसिनोलिक एसिड कास्टर ऑयल में क्या होता है रिसिनोलिक एसिड बट नॉट टॉक्स एलोमिन टॉक्स एलोमिन नहीं इसमें है रिसिनोलिक एसिड है इसलिए नॉन पॉइजनस है कास्टर ऑयल नॉन पॉइजनस है क्योंकि इसमें रिसिनोलिक एसिड है टॉक्स अलोमिन नहीं है रिसिन नहीं है इसमें रिसिन इज सिक्स थाउजेंड टाइम मोर पावरफुल देन साइनाइट साइनाइट से सिक्स थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल देन कास्टर सीड इंटैक्ट में अगर है इंटैक्ट है तो नॉन टॉक्सिक है इंटैक्ट नॉन टॉक्सिक करस सीड कास्टर ऑयल फूड के लिए यूज करेंगे और जो रेसिड्यू होगा वो रेसिड्यू टॉक्सिक हो गई जो रेसिड्यू बचेगा वो टॉक्सिक होगा कास्टर ऑयल फॉर फूड नॉन टॉक्सिक है लेकिन रेसिड्यू जो बचा वो टॉक्सिक हो जाएगा देन होल प्लांट इज टॉक्सिक बट रिसिन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ है सीड में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है सीड पे सीड रिजम्बल्स क्रोटोन सीड क्रोटोन सीड से रिजम्बल करेगा ये इंपॉर्टेंट है तो फ्यूचर में क्या क्या देख लिए एक तो इसमें है कि कास्टर्ड ऑयल में रिसिनोलिक एसिड है लेकिन टॉक्स ऑलिमी नहीं है इसलिए नॉन पॉइजनस है सिक्स थाउजेंड टाइम रिसिन जो है सिक्स थाउजेंड टाइम मोर पावरफुल देन साइनाइड कास्टर सीड इंटैक्ट में है नॉन टॉक्सिक क्रस सीड कास्टर ऑयल फॉर फूड के लिए और रेसिड्यू टॉक्सिक होगा होल प्लांट इज टॉक्सिक बट बटिन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ है सीड में सीड रिजेंबल्स क्रोटन सीड तो डिफरेंस क्या है क्या तो कास्टर सीड ग्लोसी है ग्लोसी होगा लेकिन क्रोटन सीड ग्लोसी नहीं होगा नॉट ग्लोसी क्रोटन सीड में लॉन्ग चुडला लाइन्स देखे गए इसमें क्रोटन सीड में लेकिन इसमें नो लॉन्ग चुडला लाइन्स कास्टर साइड सीड में लॉन्ग चोटल लाइंस नहीं होगा लेकिन क्रोटोन सीड में लॉन्ग चोटल लाइंस होगा क्लिनिकल फीचर में क्या है तो नॉन स्पेसिफिक फीचर है एबडोमल पेन होगा वोमिटिंग ब्लडी डायरिया ये सब का फीचर हो गया कॉज ऑफ डेथ कार्डियोवेस्कुलर कोलेप्स ये इंपॉर्टेंट है कार्डियोवेस्कुलर कोलेप्स इसमें डेथ होगा रिसनस कॉम्लिस का कॉज ऑफ डेथ कार्डियोवेस्कुलर कोलेप्स फेटल डोज फाइव टू टेन सीट्स ये इंपॉर्टेंट है फाइव टू टेन सीट्स और रिसिन फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोग्राम फिल्टर पीरियड टू टू फाइव डेज टू टू फाइव डेज इसका फिल्टर पीरियड है मैक्म वैक्सीन क्या है कि रिसिन ब्लॉक करेगा प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक किसको करेगा ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा थ्रू इनिविशन ऑफ आर एन पोली मेरेज आर एन ए को इन्विट करके वो प्रोटीन सिंथेसिस को इन्विट करेगा रिसिन रिसिन जो होगा वो सिक्सटी एस राइबोसोम से बाइंड करेगा बाइंड करने के बाद ये आर एन ए को इनविट किया आर ने पोली को इन्विट किया तो उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस को इन्विट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस इन्विट हुआ तो सेल डेथ हुआ नेक्रोसिस काउ करेगा इन्फ्लामेशन सेल का इन्फ्लामेशन हुआ देन पोस्टमार्टम फाइंडिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ सीड्स कैन बी सीन इन द स्टमक फ्रेगमेंट ऑफ सीड दिखेगा स्टमक में और इंटेस्टाइन में रिसिन प्रोड्यूस हेमरेजिक इन्फ्लामेशन हेमरेजिक इन्फ्लामेशन किसका जी का होगा इवन वेन गिवन सबको ठीक तो है ये गलत लिख दिए सब कॉन्शियस लिख दिए सब कॉन्टेनियसली जब ऑफ स्टमक कंजेस्टेड ऑल इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड तो ये स्पेसिफिक फाइंडिंग यहाँ पर कुछ है नहीं है इसमें फ्रेगमेंट ऑफ सीड दिख सकते हैं हेमरजिक इन्फ्लामेशन है इस तरह जी आई टी में और मिकोसा कंजेस्टेड है ऑल इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में ए बी सी डी गैस्ट्रिकलावाज देन एक्टिवेटेड चारकोल डिमलसन देंगे कैथाइटिस देंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे स्पेसिफिक तो ट्रीटमेंट इसमें नहीं है एबीसीटी गैसिक लवाज एक्टिवेटेड चारकोल डिमलसेंट कैथाइटिक्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सीडेंटल कॉमन है एक्सीडेंटल कॉमन है और होमिसाइडल रेयर सुसाइडल रेयर जो मिलिंगस होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा कंजेक्टिटिस वेन अप्लाइड थ्रू द आई टू द आई आई पे अप्लाई करेगा तो हो कंजेक्टिटिस होगा एवोटिफेशन हो गए ये एवोटिफेशन हो गए ठीक है this is all about rickson's communist this is small topic but very important thank you for watching